विल पावर क्या होता है? विल पावर वही है जिसने बोमन रानी को हारने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया और उनकी पहली पिक्चर उन्हें 40 साल की उम्र में मिली। विल पावर वही है जिसने एक टीटी को इंडिया का कैप्टन बना दिया, दैट इज एमएस धोनी। विल पावर लाइफ चेंजिंग हो सकता है किसी के लिए भी, फिर चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे पढ़ाई हो, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस बाय साक्षी पटेल। माय नेम इज साक्षी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पांच ऐसे तरीके जिनसे आप अपने विल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विल पावर इंक्रीज करने से होगा क्या। तो विल पावर इंक्रीज करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, प्लस आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो नंबर वन हम देखेंगे वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको जो सबसे फेवरेट चीजें आपकी, जैसे कि आपका फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, देन केक, देन चॉकलेट्स, ये सारी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे नंबर वन चीज है। जब आप इन चीज को छोड़ोगे कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, सबसे पहले तो एक दिन के लिए कोशिश करो कि एक दिन मैं इन चीजों को नहीं लूंगा, या फिर दो दिन, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, एक हफ्ते कर दो, तो ऐसा क्या होगा कि आपका दिमाग आपको बोलेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि ये तुमको पसंद है, इस चीज को लो, और आप बोलोगे मैं ये नहीं करूंगा, और ये नहीं हा नहीं हा के चक्कर में क्या होंगी चीजें कि आपका विल पावर जो है दिमाग वो इंक्रीज करता जाएगा। विल पावर इंक्रीज करने से आप अपने आने वाली जिंदगी में बहुत फोकस्ड हो जाओगे। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, आपको जो बहुत पसंद चीजें नहीं है, ओके, अब नहीं है वाला मैं बता रही हूं, उन चीज को शुरुआत कर दो करना। जैसे कि आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, ठीक है, सुबह उठ के देख लो, कम से कम एक दिन, कम से कम दो दिन, ऐसा करते करते एक अच्छी आदत तो आपको लग ही जाएगी, प्लस साथ में आपका विल पावर इंक्रीज होता जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सपोज आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है, लेकिन आप उस चीज को पियो, कोशिश करो, ठीक है, या फिर आपको करेले खाना पसंद नहीं है, उस चीज को भी आप कोशिश कर सकते हो, ले सकते हो। नाउ नंबर थ्री, अपने आप को आप रिवॉर्ड दो, है ना। जैसे कि सपोज आप इन चीजों को अच्छे से कर ले रहे हो और आपका विल पावर इंक्रीज हो रहा है, तो कम से कम आप अपने आप को रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो कि एक हफ्ते तक वो चीज नहीं किया तो एक अच्छी सी एक हफ्ते बाद अपने आप को लाइक फोन यूज कर लो, केक खा लो, चॉकलेट्स खा लो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है ये एक्सप्लॉइटेड फील नहीं करेगा और उसको हमेशा ये दिमाग में बना रहेगा, हाँ यार मेरे को मिलना तो है ही, है ना, केक तो मेरे को मिलना है ही, तो मैं लालच क्यों करूं। लालच तब होता है जब आपको वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है कि कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आपको वो चीजें मिल रही है, ठीक है, चीजें मिल रही है तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में रहेगा है और मिलना तो है ही, तो मैं क्या करूं, आराम से देखता हूं, वेट करता हूं, कभी ना कभी तो मुझे मिल ही जाएगा। तो आपको दिमाग के साथ खेलना है, उसे बेवकूफ बनाना है। नाउ नंबर फोर, ये बहुत जरूरी है, सब लोग को लगता है यार कि ना एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि नंबर ऑफ लोग सिर्फ एक्सरसाइज को मोटे और पतले से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आधे लोग तो एक्सरसाइज इसलिए ही नहीं स्टार्ट करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज को छोड़ेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, डबल मोटे हो जाएंगे, ये कंसेप्शन दिमाग में रहता है। तो देखो, अगर यही दिमाग में रहेगा तो आप क्या करोगे, किसी चीज को स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज के प्रॉस भी है और कॉन्स भी है। ऑब्वियसली ना, आप देखोगे कि चाकू से उसकी अच्छाई ये है कि उससे सब्जी काट सकते हैं, चीजें जल्दी कट जाएगी। अब आपको सपोज एक नुकीले पत्थर से चीजें काटनी होती तो, है ना, कितनी दिक्कत की बात है, लेकिन हमारे पास चाकू इन्वेंट हो गया है। लेकिन उसकी गलती ये है कि इससे आप किसी को भी मार सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज को अच्छा आपको सोचना है कि उसके बारे में बुरा सोचना है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स के लिए एक्सरसाइज डेली करो, एक्सरसाइज डेली करोगे तो उतना ही ज्यादा आपके बॉडी से पसीने निकलेंगे, ठीक है, स्वेटिंग होगी और उससे आपका दिमाग फ्रेश फील करेगा, प्लस आप पतले तो हो गए। नाउ नंबर फाइव, विच इज लास्ट थिंग, जो कि ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। 5 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगी, 5 मिनट आप मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे आपका फोकस भी रहेगा दिमाग, आपको नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, प्लस आप अपने लक्ष्य की ओर जल्दी बढ़ सकते हो। अब चाहे आप किसी भी, कोई भी आपका लक्ष्य हो, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, चाहे यूपीएससी, कुछ भी चीज, आप देखना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, क्योंकि जितने भी लोग जो बड़े बने हैं,
है ना, चाहे वो यूपीएससी में बने या फिर यूजीसी ने जीआरएफ में बने, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, कोई दिन रात पढ़ता नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आप इनको फॉलो करो और देखो कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और थैंक यू सो मच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कॉमेंट्स करके बताओ कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप क्या करते हो अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए, मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं भी उन्हें कोशिश करूंगी कि अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकूं। या सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।